CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के फैसले की महत्ता बताने के तहत आज मेरठ से भाजपा के सांसद राजिंदर अग्रवाल अमृतसर पहुंचे और कहा कि धारा 370 खत्म करने के फैसले की प्रशंसा हो रही है और अब देश में एक विधान और एक निशान लागू हो गया है और कश्मीर में हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहां कुछ राजनीतिक लोगों को इस फैसले से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र द्वारा काफ़ी गहनता से कश्मीर पर नज़र बनाई हुई है और वहां नज़रबंद लोगों को अभी कुछ और समय ऐसा रखा जाएगा क्योंकि उनके कारण ही वहाँ के लोगों को उकसाया जाता है। हरियाणा में अकाली दल के साथ गठबंधन न होने पर कहा कि भाजपा का हर पार्टी के साथ हर राज्य में गठबंधन नहीं है, लेकिन अकाली दल के साथ गहरा रिश्ता है भाजपा का। कांग्रेस नेताओं द्वारा GDP और प्याज की बढ़ती कीमतों पर कटाक्ष पर कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, पूरे देश के अंदर पार्टी ने कार्यक्रम लिया हुआ है। धारा 370 5 अगस्त को और 35A इसको निर्मूल कर दिया गया, तो उसके कारण से क्या देश को नुकसान थे, इसके वजह से क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय भी है लेकिन दुनिया के देशों की भी इसके ऊपर निगाह रहती है, तो हमारा पक्ष क्या है, हमारे इश्यूज क्या रहे हैं, उन सब विषयों के ऊपर पूरे देश के अंदर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और जो हमारे केंद्र का जो नेतृत्व है उसने विभिन्न स्थानों पर किन्हीं नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को भेजा है और वो इस संबंध में एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें सारी चर्चा होती है, तो उस क्रम में मैं यहाँ पर आज अमृतसर आया हूँ और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे। कुल मिलाकर के धारा 370 ये देश को केवल कश्मीर की बात नहीं थी, देश के अंदर भी अलगाववाद को, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली धारा थी।